हो गया। हाँ सामने तुम जी, तुम्हें दोबारा से लाइव आओगे ठीक है, और आनिया तब तक लाइव आएगी जब तक आनिया को इंसाफ नहीं मिलेगा ठीक है। मैं मीडिया में ही काम करती हूँ, मीडिया में वरना इतनी मीडिया वालों ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी, ये तो गलत चीज़ है ठीक है। तो आप सब लोग कहते हैं ना आमिर 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 बहुत, आप अपने MNA कराची का MNA है ना, तो उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं बोल रहा। तो आप लोगों को ना मैं सब कुछ स्टाइल बता चुकी हूँ सारी, हमारा निकाह किस डेट को हुआ है। हमारा निकाह हुआ था 27 जनवरी को, जब कोरोना चल रहा था, जब मैं कराची आई हुई थी, सबको पता था काम मांगे, सब देखते मैं पागलों वाली वीडियो देखें, पहले हानिया से करती थी लाइव, कितने प्यार से काम मांगती थी सबसे, सर काम दे दें प्लीज़ काम दे दें। अब हानिया की देखिए, हानिया की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। चलिए मैं आप लोगों को ना कुछ वॉइस मैसेज शेयर करना चाहूँगी ठीक है जी। तो हानिया अब आपने ऐसे वॉइस मैसेज शेयर करना जा रही है, जब आमिर को मेरी इज्जत का एहसास नहीं है तो मुझे उसकी इज्जत का एहसास नहीं है। ये हैं डॉक्टर अली काजमी साहब, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। डॉक्टर अली काजमी सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, कभी कोई गलत बात नहीं की, हमेशा मुझे समझाया हानिया हानिया कोई गलत हरकत मत करना, पागलपन मत किया करो, तुम छोटी हो, मीडिया में बहुत फ्रॉड है। ये अभी मैंने सारे ये पिक्चर्स दिखाई थी, सेंड की थी कि हानिया के साथ क्या जुल्म हो गया, ये भी 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 जो मेरे घर खाना डूसा जा रहा था, सारी सेंड की थी, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। पहले मैसेज थी कितनी प्यारी, अब हानिया क्या बन गई है, चुड़ैल बन गई है, कुछ सेफ्टी पिन नहीं है क्या, मुंह में रखूं, छोटा सा माइक पकड़ा दिया हाथ में, चेहरे फर्क नहीं पड़ता है, करेत का ज़रा फर्क नहीं पड़ता हानिया को। ये भी माइक चलेगा, कोई बात नहीं है, मैं इस टाइम अपने प्रोडक्शन हाउसेस वालों से बात कर रही हूँ जी। तो ज़मीना मैम तो मैंने, ये देखिए मेरा फेस, ये देखिए कितना डैमेज करवाया था, नज़र आ रहे थप्पड़ के निशान। ये हानिया की प्यार, डॉक्टर आमिर लखत से शादी करने की सजा, डॉक्टर अली काजमी जी मेरा पूरा फेस ही ख़राब करवा दिया, ऐसी हालत में मरी हूँ, ये तब मर गई थी मैं, इतनी ब्लीडिंग हुई थी ना, इतना खून निकला था सर से भी। खून निकला था बहुत ज़्यादा, पूरे बेड पे मेरे खून ही खून हो गया था, और झूठ क्यों बोलूँगी, सच बोलूँगी, कलमा पढ़ के कोई झूठ बोलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मरी हुई इंसान एक बैठी हुई है आप लोगों के सामने, हानिया मर गई हुई है। हानिया जिंदगी में किसी से बदतमीजी करती थी ऐसे टर 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 टर, वैसे गुस्सा करती थी सेट पे, लेकिन टर 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 जुबान में चलती थी अपनी, टर टर चलती है बदला लेने के लिए। ये देखिए मैंने आमिर को सेंड की थी कि तुम्हारे ने मेरे साथ क्या जुल्म सितम किया, लेकिन आमिर ने कहा तुम्हारे अंदर ऐसा शो आ गया, जिन आ गया, तुम उसके चाहे वो उसने क्या वर्ड्स बोले, कहता है वो रोज़ तुम्हें इस्तेमाल करता है, तुम्हारे साथ सेक्स करता है, तुम्हें यूज़ करता है, और सॉरी टू से मुझे ये गंदी बातें करनी पड़ रही हैं क्योंकि ये गंदी बातें मेरे हस्बैंड ने की हैं, उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर जिन आ गया, तुम्हारी उंगलियों से तुम्हारे अंदर आता है, उसे ये नहीं पता कि मैंने क्या काम किया होता, मैंने मौला अली को आज़ाद करवाया, मैंने उसके बाद वो उनकी सब हस्तियाँ वो मुझसे बात करते हैं, मैं उन्हें सुन सकती हूँ, उन्होंने मुझे ताकत नहीं, ये रिंग उन्होंने गिफ्ट किया मुझे, जो अजहर शाह लोगों के घर में, मुझे ये अजहर शाह लोगों के घर में रिंग मिली, अजहर शाह वाकत वो बंदा है जिसे पता है कि हानिया मर चुकी है, उनके घर में मैंने गुस्सा लिया था, अब मैं निशान दिखाऊंगी आप लोगों को, ये देखिए ये निशान नज़र है, ये है मेरे प्यार का तोहफा, ये मारा पिटा गया था मुझे, ये है वो साए वाला मैसेज, ये आप फेसबुक पे देख सकते हैं आप लोग सब फेसबुक पे ठीक है, जो जो इस टाइम मुझे देख रहे हैं। ये पार्लियामेंट लॉजिक्स में हानिया की हुई है, अगर मैं झूठी हूँ तो मैं पार्लियामेंट लॉजिक्स में क्या कर रही हूँ, चलें सब चीज़ें छोड़ें, मैं अपनी मीडिया वालों के ना अपने इन बातें दिखाती हूँ निकाह वाली ठीक है। तो मेरी उसकी कन्वर्सेशन हुई ठीक है,
अल्लाह जी या अल्लाह, मैं उसकी नाम लेती हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। फाज सरफराज जो हम सी वी वाले मुझसे रब्ता नहीं करते थे, पता है अब क्या कहते हैं, मैं बताऊँ। अगर आप फ्री में नहीं करते तो ना करें, कोई मसला तो नहीं है। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कहा कि आप पे मौकिफ है, वो और जगह पे फैल जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। फ्री होगा कोई, आपको जाना नहीं होगा क्योंकि वो कराची में होता है। हम टीवी का शो नहीं है, बोल न्यूज़ का ये न्यूज़ एंकर है जो सैयद होनी। हाय हाउ आर यू, तुम जानते हो ना मुझे, सॉरी आप जानते थे मुझे। हाँ नहीं, अब मर गई है, तमीज भी नहीं थी बात करने की मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बंदा है न्यूज़ एंकर है ये, तो ये चाह रहा था कि तो इसके भी लॉग पे तुम बैठ जाओ और ये जो तुम सारी बातें कर रही हो। ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे हानिया की आवाज़ ख़राब है, आज पूरी दुनिया हानिया के गुलाम है, हानिया सुपरस्टार बन गई। लेकिन क्या फ़ायदा, दुख होता है ना मरने के बाद बनी हो ना, दुनिया में तो नहीं बनी ना। पहले जब थी, पहले स्टार थी लेकिन मेरी आवाज़ नहीं थी, मेरी आवाज़ डबिंग की जा रही थी, मुझे हर्ट किया जा रहा था बार बार, शक्ल मेरी और आवाज़ मेरी नहीं चलाते थे आप लोग, देखे ना उसे कह रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे, मैं इन्जॉय कर रही हूँ, सॉरी। हानिया ने वो कम दिया, ये देखें आमिर लियाकत की हानिया से पहली मुलाकात कब हुई, आमिर ने काला जादू किया या हानिया ब्लैकमेल कर रही है, ये देखें हानिया ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है ये कहा जा रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना ब्लैकमेल मैं कर रही हूँ, या मेरी ज़िंदगी नरक बना दी गई है। अल्लाह हानिया तुमने कौन सा गुनाह कर दिया आमिर से शादी करके। चेक करें मेरे फेसबुक पे आवाज़ आ रही है, मुझे आपसे बात करने को दिल कर रहा है, कर रहा था। अच्छा चलो तो जागती रहो, मैं भी करता हूँ। ये किसकी आवाज़ है, जाहिर सी बात है आपकी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जी की आवाज़ है। अब मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को, अगर आ रही है तो कोई कमेंट में बता दे आ रही है आवाज़। सैयद होनी तमाशा देखने वाला सारे हैं, कमेंट्स कोई भी नहीं करता, तमाशा ही देखो। राइट नहीं हूँ मैं, बस ये सब शिफ्टिंग वगैरह में लगा हुआ था, आज जहाँ घर मैंने भी लिया है बस, तो अभी सब शिफ्ट किया है, अभी शिफ्ट से बाद बस अभी थोड़ा सामान ही लेके आया हूँ, बाकी क्या रहता है और बस ये चीज़ें। ठीक है आप जी, हानिया एक और प्रूफ जो 10 दफा सुना चुकी हूँ, मेरी मीडिया को मैं झूठी लगती हूँ ना, अफसोस के जी चुका सांस लेना जब मैं नींद आ रही है। तामिर तुम पता नहीं क्या क्या पढ़ पढ़ के फूकते हो, जब भी मैं तुम्हारे अगेंस्ट बोली होती हूँ मुझे नींद आने लग पड़ती है, मुझे फिर नींद आ रही है, सुबह से सोई हूँ कोई आके यहाँ पे, अब मैं बैठी हूँ मुझे नींद आ रही है। जब भी लाइव आती हूँ पढ़ पढ़ के फूकते हैं मुझसे, कर ले जो करना है बेटा, मैं तो भोंकूँगी। अल्लाह कामयाबी दे रहे के, अल्लाह कामयाबी दे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था मैं रानी क्यों, मैंने प्रोजेक्ट किया बीजे प्रोडक्शन, बाबर जावेद, धीरम बिंत शाहिद, तहसीन खान, अहमद सोहेल, तुम लोगों ने ये प्रोजेक्ट मुझसे करवा के जो मेरा सीन कट किया था ना मंगनी वाला, मायरा का सीन कट हुआ था ना मंगनी वाला, मेरी लाइफ से वो सीन कट हो गया, बेकार तो वो सीन दोबारा से करवाओ कमीनों कुत्तों, सॉरी बट बोलना पड़ रहा है। आज हानिया जो हालत है ना तुम लोगों के ड्रामा मैं रानी की बदौलत, वो इतना फेम भी उसी ड्रामे से मिला है। यू कॉल्स कॉल कर लेंगे भाई, एक कोई मुझे बोलता जाए उसके मैसेज, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि हानिया सच बोल रही है। ये क्रैक लैंड वन डिफेंस नियर कैफे, क्या लिखा हुआ है शरदीन, मुझे नहीं पढ़ना आ रहा, मैं आया तो मिस्ता, ये पढ़ के बताएं, ये किसे पढ़ना आता है वो बोले जिसको पढ़ना आता है, ये वही ड्रेस है जो मैंने आगे शो में बोला था, ये देख रहे हैं ये, तो मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ सुबह। कॉल की थी आप लेकिन आपका नंबर अगर व्हाट्सएप के बजाय मैं लाया था इस्तेमाल में नहीं, ये एक्सप्रेस टीवी का दादा, ये डेट कौन सी है, 27 जनवरी 2021 तब हमारा निकाह हुआ था, क्रैक लैंड 21, देखो उस कुत्ते का पता तो मैसेज करके डिलीट कर रहा था। मामा को बता दीजिए कि हम डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं और किसी से मजा नहीं चाहिए, ये बहुत खुशी की बात है और आज
जुमेरात का दिन है, चीज अगर हो गई तो हो गई। आमिर जी आज भी जुमेरात का दिन है, तुम्हारी मौत का दिन है। हा 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 हानी आप घर से आजाद है। आप अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया ना, मैं मीडिया वालों के साथ टाइप बता चुकी हूँ, मैं सब पे पुलिस केस करवाऊंगी। बहन चो दो उमेर के नंबर शेयर करूँ डॉक्टर के पी, वो जो उमेर है वो जो उसके साथ लैंड क्रूजर वाला, उमेर का नंबर है 0336623031। ठीक है उमेर, मामा को बता दीजिए कि हम डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं और किस सिलसिले में जा रहे हैं, ताकि ये बहुत खुशी की बात है और बस इतनी सी बात है। मैंने तो पता नहीं इससे भी ज्यादा सोचा। हाय मोहम्मद शफीक, हाउ आर यू? देखो हानिया मुर्दा बैठी हुई है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे सामने जो बैठी हुई है ना वो मुर्दा है। पहले मैं कैसे काम मांगी थी, काम दे दो काम दे दो, अब मैं बदतमीजी करती हूँ। बस इतनी सी बात है, मैंने तो पता नहीं इससे भी ज्यादा सोचा। जिनकी नख बन गया आने के यार, नख बना दिया जिनकी। काश मैं तुमसे निकाल ना करती, काश मैं महरानी प्रोजेक्ट ना किया होता, ना मैं शाजीन राखत को देखती, ना मैं सैनब जमील को देखती, ना मैं बोलती कि मुझे दे दो। नख बना दिया मेरी जिंदगी। आप मुझे भिजवाएं ना, पुलिस स्टेशन जाना है मुझे, फिर उसके बाद मुझे वहाँ पर जाना है, कराची जाना है, आज जाना है। आज जुमेरात का दिन था, जुमेरात वाले दिन उसने बोल मुझसे निकाह किया था, मुझे बुलाया था, जुमेरात वाले दिन ही मैं भी जाऊँगी उसके पास। एक मैसेज किया था कब आ जाऊँ, कितने बजा लूँ ये बताइए कि ये तो मैं सब करता जो आपने दिखाया। ठीक है ब्रेक ले आया, ब्रेक ला के बदन के पड़ पड़ के फूका है। देखिए जब किसी से तो दो मिनट में बैक कर दूँ क्या और छुट्टी करते मुझे क्या बताया, पापा का मेरे साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं। मुझे भेजने आपने कराची, और अगर आपने नहीं किया ना तो मैं यहाँ से मीडिया में अगेंस्ट बोल दूँगी। मैंने घर में नहीं जाना उस चंगे से, था मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं खुद जाऊँगी। आप मैं यहाँ से शो करने के लिए आई थी ना, शो कर दिया आप लोगों का, मैं आप लोगों की गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी जाऊँ। ठीक है ओके बाय। ये यहाँ से कहूँगी टैक्सी, और तुम लोगों को फेम चाहिए तुम लोगों ने ले लिया बना, सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही करते हैं। वादा करके झूठ बोलते हैं। शफीक सर देख लें हानिया की कैसे इज्जत नीलाम, हानिया बदनाम, पूरी दुनिया में तमाशा बन गया मेरा। जी मैंने कराची की कमिटमेंट की थी, आप लोग गलत है क्या करें, सारे यूट्यूबर देख कैसे है, जितने भी यूट्यूबर थे सब पैसे कमाने वाले मशीन बनाया मुझे, मेरे घर वालों ने भी यही किया। बैन चौथ कुत्ते मुर्दा हूँ, मुर्दा ही लोग। कोई नहीं रोक सकता मुझे जाने से, आप लोगों को फेम चाहिए होता है, मिल गया फेम। महमूद इलाही सलाम अलैकुम, कैसे हो? तुमने जो स्टोरी लिखी थी ना, वो स्टोरी में जिंदगी की नर्व स्टोरी बन गई है। करे मेरे बाबा को कॉल, फर्क नहीं पड़ता हानिया को, हानिया आजाद है। हंसे हंसे मेरी सुनती ना, ऐसे यहाँ लेकर ना मुझे कतल करवाया। हानिया ने शूज़ कहाँ पहन दिए मैंने, ये शूज़ किधर है? महमूद इलाही सलाम, आपने स्टोरी लिखी मैं जिनकी नर्क बन गई, अब हानिया जा रही है यहाँ से, बाय बाय। शूज के तरह मैं दे दें, मुझे दूसरा मोबाइल की तरह मैं देख चक्कर, मैं दूसरा मोबाइल की तरह गया। सैयद वसीम तमरेजी, नहीं नहीं सैयद नहीं, सैयद वकास हुसैनी, हाय सैयद हो तो कैसे हो, ठीक हो? सैयद से बात, मेरे शूज़ कहाँ हैं? मेरे शूज़ चाहिए मैंने, वो नीचे गाड़ी थी। अगर इन्हें धोखा दिया मैं फादर को बुलाया ना, मैं पुलिस के सिन पे करवा दूँ। नहीं मैं ऐसे नहीं करेंगे, सब मीडिया वाले सुनने हैं ना, अगर यूट्यूबर्स वालों ने मुझे पहले दिया, सलमान ने लमा न्यूज़ वालों ने ना, सलमान उसने मेरे नाम पर फेम लेके ना और मेरे फादर को बुला के उनके कस्टडी में दे दिया,
और मुझे लाहौर जाना था, नहीं जाने दिया। ये सब लोग बहन चौथ कुत्ती के बच्चे हैं सारे। आप मुझे सॉरी टू से बोलना पड़ रहा है, अपने मैं प्रोडक्शन से बात कर रही हूँ, सॉरी भाई। अगर मैं अपने ये शो भी बंद करा दूँगी आप लोगों को, अगर इन लोगों ने किया ना मेरे फादर को कॉल, मेरी शो जो आप लोगों का अभी किया ना, ये मैं टेलीकास्ट नहीं होने दूँगी, मैं केस कर दूँगी एफ आई आर। मेरे शूज़ कितना है? ओके बाय। हाँ नहीं आज़ाद है ये शो, ये तो ले आए साथ ही उठा के। उस टाइम आते हुए तो बड़े नौकर बन रहे थे, अब सबको मौत पड़ गई है बहन चोट। आज के बाद खाने कोई किसी गृष्टी के बच्चे को शो नहीं करूँगी, तुम लोगों को एफ आई आर खाऊंगी बहन चोट के बच्चों, सारे बहन चोट है, सैयद उन्नी मोहम्मद शफीक सारे बहन चोट, गृष्टी माँ के गृष्टे बच्चे ऐसे ही आने लगे। जिससे अगर यहाँ से मैं छलांग मारूँ, इतनी ऊपर से छलांग मारूँ तो क्या होगा? मेरे ख्याल में मुझे लगता है अब हानिया का कोई भी नहीं रह गया, हानिया के लिए इंसाफ नहीं है, तो हानिया सुसाइड कर लेती है क्या मुझसे? हाँ वैसे ये आइडिया सही है, इतने ऊपर से छलांग मारूँगी तो बचूँगी भी नहीं। वैसे भी ना माँ रही है, ना बाप रहा है, ना बेटा, लांजा बेटा ही होता है ना, कोई भी नहीं रहा, कोई रिश्ता नहीं रहा। हानिया नीला, हानिया की इज्जत नीला, आमिर लागत में बर्बाद, आमिर मुझे तेरे पास आना है, कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक, जो रोकेगी ना उसकी माँ की खुशी होगी। तेरे पास नहीं आऊँगी ना तो अपने आप को मार दूँगी।